ओके तो आज हम यहाँ पर देखेंगे डेटा वैलिडेशन हम कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास एम्प्लॉय का डिटेल है, इसमें हम यहाँ पर एज लिमिट लगाना चाहते हैं। मतलब कि अगर एम्प्लॉय का या हमारे पास अगर यहाँ पर डेटा है तो मतलब कि उसका एज जो होना चाहिए वो 18 से ज्यादा होना चाहिए और 60 से कम होना चाहिए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर लिमिट लगाएं, और जब यहाँ पर कोई भी गलत एंट्री अगर हो, कोई गलत डेट एज अगर कोई डाल दे, मतलब कि अगर 17 डाल दे या 62 डाल दे, 65 डाल दे, तो उसको यहाँ पर कोई मैसेज आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एज पे लिमिट लगाना चाह रहे हैं, तो हम एज वाले यहाँ पर सब कुछ सिलेक्ट करेंगे, जितनी भी हमको यहाँ जितने में भी हमको यहाँ पर लिमिट लगाना है, जिस भी कॉलम में, उस पूरे कॉलम को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में जाने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलता है। डेटा वैलिडेशन के ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपको सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है सेटिंग, दूसरा है इनपुट मैसेज, और लास्ट है आपका एरर अलर्ट। इन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सेटिंग में देखते हैं। सेटिंग में आपको वैलिडेशन क्रिटा क्राइटेरिया दिख रहा होगा, यहाँ पर हम अलाउ पे यहाँ पर क्या करेंगे, आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पे, आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पे आप देखेंगे आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर होल नंबर को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने होल नंबर को सिलेक्ट किया। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है डेटा। डेटा मतलब कि आपको डेटा का रेंज यहाँ पर सेट करना होगा। यहाँ पर डेटा के रेंज पे आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे डेटा के ऑप्शन पे, तो आपको यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एज जो है वो दो एज के बीच में लगा रहे हैं, 18 एंड 60। तो 18 और 60 के बीच में लगा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा बिटवीन। तो मैंने यहाँ पर बिटवीन पे सिलेक्ट किया। बिटवीन पे सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहा है, एक है मिनिमम और दूसरा है मैक्सिमम। मिनिमम पे हम यहाँ पर 18 लिखेंगे और मैक्सिमम में हम यहाँ पर 60 कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, वैलिडेशन क्राइटेरिया पे अलाउ किया हमने यहाँ पर होल नंबर, डेटा हमने क्या किया बिटवीन सिलेक्ट किया क्योंकि हम एज बिटवीन में लगा रहे हैं, मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 60 होना चाहिए, हमने यहाँ पर ओके किया। अब हम यहाँ पर मान लीजिए एज लिखते हैं, यहाँ पर मैं अगर 17 लिखती हूँ और इसको एंटर करती हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको एक विंडो ओपन हो गया है जिसमें यहाँ पर बोल रहा है कि वैल्यू जो आपने एंटर की है वो वैलिड नहीं है। मतलब कि हमने यहाँ पर क्या किया है, वैलिडेशन लगाया हमने यहाँ पर। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 62 या 65 लिख देते हैं और इसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक विंडो ओपन हो गया है जिसमें क्या कह रहा है ये कि आपने जो वैल्यू एंटर की है वो यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, एज पे लिमिट जो है वो यहाँ पर जो है तय कर दी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इसी में, इनपुट मैसेज का। यहाँ पर हमको एज पे ही इनपुट मैसेज देना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे यहाँ पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर मुझे नेक्स्ट मिल रहा है, यहाँ पर इनपुट मैसेज की मतलब कि आप जैसे ही यहाँ पर कोई सेल पे आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपको एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले होगा। तो हम यहाँ पर एक मैसेज जो है वो डालना चाहते हैं, तो टाइटल पे मैंने यहाँ पर
टाइटल पे मैंने यहाँ पर एज लिमिट लिखा। अब यहाँ पर इनपुट मैसेज के लिए वो आपको बोल रहा है कि आप यहाँ पर कोई मैसेज डालिए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि प्लीज एंटर द एज बिटवीन 18 एंड 60 ईयर। ये हमने यहाँ पर मैसेज डाला। अब इसके बाद हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब ओके करने के बाद देखिए, यहाँ पर मैंने ये सेल को सिलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पर मुझे इनपुट मैसेज मिल रहा है कि एज लिमिट है, प्लीज एंटर द एज बिटवीन 18 एंड 60 इयर्स। तो हम इस तरीके से यहाँ पर इनपुट मैसेज जो है वो डाल सकते हैं कि कोई भी जो दूसरा पर्सन अगर इस पे एज डाले तो उसको यहाँ पर मैसेज दिख जाए कि हमको जो है एज जो है वो 18 इयर्स और 60 इयर्स के बीच में हमको यहाँ पर एज डालना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, हमने यहाँ पर एज वाले को सिलेक्ट किया है, डेटा वैलिडेशन पे गए, फिर डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट किया। यहाँ पर देखिए आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है एरर अलर्ट का, मतलब कि आप यहाँ पर एरर अलर्ट जो है अगर वो देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। इस पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर स्टाइल जो आप देना चाहते हैं, आप स्टॉप देना चाहते हैं तो ये देखिए स्टॉप का सिंबल आ जाएगा, वार्निंग देना चाहते हैं तो वार्निंग, इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन का यहाँ पर आपको जो है उसका सिंबल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, उसका स्टाइल दिख रहा होगा। हम यहाँ पर स्टॉप को सिलेक्ट करते हैं। टाइटल हम यहाँ पर देना चाहते हैं रॉन्ग एंट्री, हमने यहाँ पर टाइटल रॉन्ग एंट्री दी है। उसके बाद हम यहाँ पर एक मैसेज जो है एरर मैसेज जो है वो हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग एज ऑफ एम्प्लॉय। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एरर मैसेज जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं। हमने यहाँ पर ओके किया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एज डाल देती हूँ 64 और उसे एंटर करती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर हमें एरर मैसेज मिल चुका है कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग एज ऑफ एम्प्लॉय। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको इनपुट मैसेज भी दिख रहा है, हमने यहाँ पर 64 डाला है तो वहां पर देखिए आपको इनपुट मैसेज दिख रहा है कि एज लिमिट है यहाँ पर, तो एज लिमिट हमने टाइटल दिया था जिसमें हमने मैसेज डाला था कि प्लीज एंटर द एज बिटवीन 18 एंड 60 ईयर्स। उसके बाद मैंने जैसे यहाँ पर 64 डाला तो हमारा यहाँ पर एक एरर मैसेज आ चुका है कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग एज ऑफ एम्प्लॉय। अब यहाँ पर हम इसे कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर हम मान लीजिए सही एज डाल देते हैं। देखिए अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, यहाँ पर हम सीधा कुछ भी एरर या कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने एज जो है वो 18 एंड 60 इयर्स के बिटवीन पे लगाई है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कुछ डिटेल नजर आ रही होगी जिसमें यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, नेम, रीजन और यहाँ पर कुछ महीने जनवरी, फरवरी, मार्च और फर्स्ट क्वार्टर, मतलब यहाँ पर इस एम्प्लॉय ने जैसे अलका नाम का एम्प्लॉय है उसका रीजन जो है वो वेस्ट है, उसने जनवरी, फरवरी और मार्च में कितना सेल किया है, यहाँ पर उसका सम है फर्स्ट क्वार्टर, ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, इसकी डिटेल यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर हमारे कुछ एम्प्लॉयज हैं। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की डिटेल हम यहाँ पर देखना चाहते हैं।
लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेकेंड क्वार्टर है बीच में, थर्ड क्वार्टर है, तो इस वजह से क्या होगा कि हमको इसको देखने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने से क्या होता है कि हम उसको उस जिस डिटेल को हमको देखना है, हम सिर्फ वही डिटेल को देख पाएंगे, बाकी सब डिटेल को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, या उसको आप हाइड भी बोल सकते हैं। तो उसको हम यहाँ पर कैसे करते हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपको डेटा टैब में एक ग्रुप का ऑप्शन मिलता है। इस ग्रुप के ऑप्शन पे आप यहाँ पर कॉलम पे जो है ग्रुप ऑप्शन यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप रो ऑप्शन पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर कॉलम पे कैसे हम यहाँ पर लगाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम मैम आवाज इस नहीं कॉलम रुक को रही। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, इस कॉलम को, फर्स्ट क्वार्टर वाले कॉलम को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। इसके अंडर पे जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ्स हैं, और फर्स्ट क्वार्टर का सम है यहाँ पर, तो मैंने इसे यहाँ पर सिलेक्ट किया है। यहाँ पर ग्रुप ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ग्रुप ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आपको वो ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको ग्रुप जो है वो रो में लगाना है कि कॉलम पे लगाना है। तो हम यहाँ पर कॉलम के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और इसे ओके करते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा, एक लाइन आ गई है, और यहाँ पर आपको एक माइनस का साइन नजर आ रहा होगा। इसको हम देखेंगे कि इसका क्या काम होता है। अब आगे हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, इसका भी एक ग्रुप बना देते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसका भी यहाँ पर एक ग्रुप बना दे रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जी और आई, यहाँ पर एच जो है वो यहाँ पर ब्लैंक है। हमने इसे ब्लैंक इसीलिए रखा है ताकि जब हम ग्रुप बनाएं तो वो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर मर्ज ना हो जाए। इसीलिए हमने देखिए हर एक क्वार्टर के बाद में एक यहाँ पर ब्लैंक कॉलम रखा हुआ है, सेम वैसी एक रो भी यहाँ पर हमने जो है ब्लैंक रखी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड क्वार्टर जो है हमारा, सेकेंड क्वार्टर का डिटेल आपको यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, और ये सेकेंड क्वार्टर का सम है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम अब यहाँ पर ग्रुप ऑप्शन पे जाके कॉलम पे सिलेक्ट करते हैं और इसे ओके कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन, ये जो है ये ग्रुप बन चुका है एक। उसके बाद हम यहाँ पर थर्ड क्वार्टर पे आते हैं। अब हम थर्ड क्वार्टर पे क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और इस पे हम यहाँ पर ग्रुप बना देते हैं। एक थर्ड क्वार्टर का ग्रुप हमारा भी बन जाएगा, ये देखिए बन गया। अब लास्ट हम यहाँ पर सेम ऐसे फोर्थ क्वार्टर का भी हम यहाँ पर ग्रुप बना देते हैं। आपको जिसका ग्रुप बनाना है आप उसका ग्रुप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सभी का ग्रुप बनाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मुझे जो है डिटेल देखना है, फर्स्ट क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर क्वार्टर की डिटेल को मुझे कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों जो है डेटा वो कंपेयर करने के लिए आजू बाजू में होने चाहिए, तभी हम यहाँ पर डेटा जो है वो इजीली कंपेयर कर पाएंगे। नहीं तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको दिक्कत जा रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट क्वार्टर को हम एज इट इज यहाँ पर रखेंगे। जो सेकेंड क्वार्टर है, ये देखिए आपको यहाँ पर ये माइनस का साइन नजर आ रहा होगा, इस पे आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए आपका सेकेंड क्वार्टर जो है वो हाइड हो चुका है। हाइड मतलब कि यहाँ पर मिनिमाइज हो चुका है। सेम ऐसे ही हम थर्ड क्वार्टर को भी यहाँ पर हम मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर जो है वो आमने सामने यहाँ पर आ चुका है। तो अब आप यहाँ पर इजीली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको अपना डेटा जो है, जो आपने सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर जो है जिसको आपने हाइड किया था, अब उसे आपको शो करना है, मतलब आप इसको शो या हाइड भी बोल सकते हैं, या आप इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज भी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो अब अगर मुझे मान लीजिए शो करना है या मैक्सिमाइज करना है, तो अब देखिए आपको यहाँ पर दो प्लस का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये दो प्लस किसका है, एक सेकेंड क्वार्टर का है, ये थर्ड क्वार्टर का है। तो
अब यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया, ये देखिए सेकंड क्वार्टर यहाँ पर आ चुका है। अब थर्ड क्वार्टर, मुझे यहाँ पर थर्ड क्वार्टर की भी डिटेल देखना है, तो मैंने यहाँ पर इसे क्लिक किया, ये देखिए थर्ड क्वार्टर भी हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब हम यहाँ पर जो है डेटा कंपेयर करना चाहते हैं सेकेंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर का, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट क्वार्टर को यहाँ पर हाइड करेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो माइनस साइन है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर आपका सेकेंड क्वार्टर जो है वो दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वार्टर जो है वो यहाँ से क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। सेम वैसे ही हम थर्ड क्वार्टर को भी यहाँ पर हाइड कर लेंगे, ये देखिए हाइड हो गया है। तो अब आपको यहाँ पर सिर्फ सेकेंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर सेकेंड फर्स्ट क्वार्टर को अगर आपको शो करना है, मतलब मैक्सिमाइज करना है, तो आप प्लस साइन पे क्लिक करिए, ये देखिए फर्स्ट क्वार्टर आ गया। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर थर्ड क्वार्टर भी यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये तो था हमारा यहाँ पर कॉलम पे हमने यहाँ पर ग्रुप बनाया। अब मान लीजिए आप चाहते हैं यहाँ पर कि रो पे भी यहाँ पर हम ग्रुप बनाएं, तो उसके लिए आपको रो को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, ये देखिए रो को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर आप रो पे सिलेक्ट करेंगे और इसे ओके करेंगे। ये देखिए हमारी यहाँ पर फर्स्ट रो पे, यहाँ पर मतलब जो फर्स्ट रीजन है हमारा, हम यहाँ पर किस पे ग्रुप बना रहे हैं, रीजन वाइज बना रहे हैं। यहाँ पर क्वार्टर वाइज बना रहे थे कॉलम पे, रो पे हम यहाँ पर रीजन वाइज बना रहे हैं। तो पहले रीजन पे हमने यहाँ पर ग्रुप बना लिया है, अब हम यहाँ पर सेकेंड रीजन पे ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पर ग्रुप पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर रो पे सिलेक्ट किया है और इसे ओके कर दिया है, ये देखिए हमारा जो है साउथ रीजन पे भी हमारा यहाँ पर ग्रुप जो है वो बन चुका है। अब ईस्ट पे भी हम यहाँ पर ग्रुप लगा लेते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसे सिलेक्ट करना होगा, ग्रुप ऑप्शन पे जाएंगे, ओके कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर भी आपका लास्ट हमारा नॉर्थ, उसपे भी हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं। इसे ओके कर दिया। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर डेटा देखना है, जो कि रीजन वाइज अगर आपको यहाँ पर डेटा कंपेयर करना है, अभी हम क्वार्टर वाइज कंपेयर कर रहे थे, अब मान लीजिए आपको रीजन वाइज अगर यहाँ पर कंपेयर करना है, तो उसके लिए अब मान लीजिए आपको वेस्ट और नॉर्थ रीजन को कंपेयर करना है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साउथ रीजन को यहाँ पर हम हाइड कर देंगे। ये देखिए सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर ईस्ट को भी, यहाँ पर हम ईस्ट रीजन को हम यहाँ पर हाइड कर देते हैं। ये देखिए अब आपको यहाँ पर वेस्ट और नॉर्थ जो है रीजन वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से वापस हम इसको क्या कर लेते हैं, अगर हमको यहाँ पर देखना है, हमारे वापस अगर हमको मैक्सिमाइज करना है, तो आप यहाँ पर इस प्लस साइन को अगर क्लिक करेंगे, तो देखिए साउथ आ गया, साउथ रीजन। एक और प्लस साइन आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो आपके ईस्ट रीजन के लिए है, इसको हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ये देखिए ईस्ट रीजन आ गया। तो इस तरीके से आप अपने रो पे भी यहाँ पर आप ग्रुप बना सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर ईस्ट और साउथ रीजन को कंपेयर करना है, तो मैंने यहाँ पर वेस्ट को यहाँ पर हाइड किया और नॉर्थ को, ये देखिए यहाँ पर आपका साउथ और ईस्ट जो है वो यहाँ पर रीजन जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। वापस हम इसे, ये देखिए यहाँ पर हमने इसे मैक्सिमाइज कर लिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इजीली जो है अपने रो और कॉलम पे आप यहाँ पर जो है ग्रुप लगा सकते हैं। हमेशा ध्यान देंगे, जब भी आप यहाँ पर कॉलम या रो पे ग्रुप बनाएं, तो आप यहाँ पर ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक रो या कॉलम जरूर दें, ताकि आपका जो ग्रुप आप बना रहे हैं उसके बीच में स्पेस रहे। यहाँ देखिए दोनों ग्रुप के बीच में यहाँ पर स्पेस है, नहीं तो वो एक दूसरे पे मर्ज हो जाएगा।
ये देखिए यहाँ पर भी सेम ऐसे ही रो भी यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ब्लैंक एक रो देने से यहाँ पर सीक्वेंस वाइज रहता है सब चीज। अब मान लीजिए आपको ग्रुप हटाना है तो आप अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए रो आपसे यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है, इसे ओके कर दीजिए। ये देखिए क्लियर आउटलाइन का एक ऑप्शन आता है, उस पे क्लियर आउटलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका क्या होगा पूरा एक साथ जो है वो आपका जो ग्रुप आपने बनाया था वो यहाँ पर हट जाएगा। इसी के साथ आप यहाँ पर ग्रुप बना भी सकते हैं और ग्रुप हटा भी सकते हैं।